अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि हम बटन पर जब क्लिक करें तो हम वो हमें एक टेक्स्ट शो करता है बटन, तो उसको जो है ना हम क्या करें। दूसरा जो है ना इसका बैकग्राउंड का जो इमेज है वो भी हम सेलेक्ट करते हैं कि बैकग्राउंड में हम इमेज कैसे जो है ना क्रिएट करना है। तो पिछली वीक में मैंने नहीं किया था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो इसलिए जो है ना मैं इसका एक अलग वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो चलो मैंने क्या किया, एंड्रॉयड स्टूडियो को स्टार्ट किया था। अभी देखो वेट कर रहा है, एंड्रॉयड स्टूडियो जो है ना वो स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने इसका जो है ना थोड़ा, जब ये जब स्टार्ट होते हैं ना तो थोड़ा लोडिंग करते हैं। तो चलो हम इसको जो है ना क्या करें, एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। मैं इसलिए जल्दी जल्दी करना चाहता हूँ क्योंकि इंसान बोर हो जाते हैं ना जो ज़्यादा तेज़ी से। तो इसको मैं लिखूँगा बटन एंड बैकग्राउंड, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट करूँ। नेक्स्ट के बाद मैंने API लेवल 23 को जो है ना क्या किया था, सेलेक्ट किया था। इसके बाद मैं एम्प्टी एक्टिविटी को सेलेक्ट करना है इसको। यही मैं एक्टिविटी का नाम भी आप चेंज कर सकते हो, मैं नहीं चेंज करूँगा। इसके बाद अभी जो है ना एंड्रॉयड क्या करता है, एंड्रॉयड की जो प्रोजेक्ट है वो उसका क्रिएट करना शुरू हो गया। तो अभी इसका जो प्रोजेक्ट है इसकी जो बिल्ट इन फाइल्स है उसको क्या करना है, उसको क्रिएट करना है। तो ये था अभी जो है ना प्रोजेक्ट क्रिएट। अभी जब प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया तो हम इसमें क्या करना है, इसको मैंने पहले कहा था कि इसकी दो क्लासेस है, एक जावा है और एक XML है। XML फाइल में हम इंटरफेस बनाते हैं और जावा में हम उसका कोड करता है। तो ये कोड भी जो है ना आपको क्या करना है, आपकी कोड को एक्सेस, आपकी जो कोड किया था वो ग्रेडल के थ्रू हम क्या करते हैं एक्सेस करेंगे, क्योंकि ग्रेडल जो है ना वो कम्युनिकेशन करता है कंपाइलर के साथ। अभी ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। इसका जो मेन फाइल है वो है मैनिफेस्ट फाइल, मैनिफेस्ट इसका रूट डायरेक्टरी है। तो अभी जो है ना ये देखो, इसने दो फाइल जो है ना रिप्रेजेंट किया था, एक काम XML फाइल और एक काम जावा फाइल। तो अभी ये कुछ एरर शो करता है, तो हम इसकी एरर को जो है ना क्या करना है, ख़त्म करना है। ये जावा फाइल में मसला आता है क्योंकि एक कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को हम ख़त्म करेंगे। इसकी हम क्या लिखेंगे, सिर्फ एक्टिविटी लिखेंगे। लेकिन अभी जो है ना जब मैंने इसको एक्टिविटी लिख दिया तो ये डायरेक्टली क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। तो चलो पहले हम जब काम करते हैं तो काम हम इंटरफेस से शुरू करते हैं। तो मैं इसको जो है ना डिलीट करूँ क्योंकि रिलेटिव लेआउट है। मैंने क्या करना है, इसका जो लीनियर लेआउट है मैं उसको जो है ना लीनियर लेआउट, मैंने इधर से अभी अभी दूसरी प्रोजेक्ट का लीनियर लेआउट लिया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मैं इस इधर कॉपी और पेस्ट करूँगा। लीनियर लेआउट मैंने सिर्फ क्या किया, लीनियर लेआउट को जो है ना सेट किया। अगर मैं एक ही चीज़ को लिखूँगा तो वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना क्या करते हैं, ख़राब करते हैं। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, एक बटन को डिज़ाइन करते हैं। आप इधर से देखो ये बटन मैंने रख दिया, ठीक है। बटन के बाद हम क्या करते हैं, इसको जो है ना मैच पेरेंट हो गया और वर्क कंटेन हो गया। इसका जो वेट है ये इधर तकरीबन एक के साथ जो है ना क्या हो गया, मैच पेरेंट हो गया। अगर आपने इसको वर्क कंटेन किया था तो ये देखो ये छोटा हो गया। अगर हम इसको जो है ना फिल पेरेंट करते हैं, ये भी जो है ना क्या साइज जो है ना कंप्लीट हो गया। तो मैं इसको मैच पेरेंट करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने बटन को BTN1 दिया, ठीक है। ये था XML का काम ख़त्म हो गया। अभी हम आते हैं इसका एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाएंगे। मैंने बटन लिख दिया, बटन के बाद मैं उधर क्या नाम दिया था, BTN1, तो ये नाम दिया था। इसके बाद मैं क्या करूँ, इसकी जो जावा फाइल है
BTN1, ठीक है, उसका मैं इसका फाइंड वी बाय आईडी के साथ रिलेशनशिप बनाऊंगा। तो मैं बटन लिख दिया, बटन के बाद फाइंड वी बाय आईडी लिख दिया, जिसकी मैंने आर डॉट आईडी डॉट, उधर क्या नहीं दिया था, बटन यानी BTN1 ये नाम दिया था, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, अभी सेट क्लिक लेसनर लगाएंगे, BTN1 डॉट सेट क्लिक लेसनर, ठीक है, न्यू ऑन क्लिक लेसनर। ये क्या हो गया, मैंने इस जो बटन था, जब मैं उसको ये कहूँगा कि जब बटन पर क्लिक हो जाए तो आप उसको कुछ मैसेज शो करो, तो मैसेज शो करने के लिए हम टॉस यूज़ करते हैं, टॉस मैट्रिक्स ये लगाना, ठीक है। इसके बाद हमारा पास जो है ना मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी के हम दिस जो है ना कॉलिंग के लिए यूज़ करता है। इसमें मैं मैसेज लिखूँगा वेलकम वेलकम टू ऑनलाइन सॉफ्ट टीच, ठीक है। मैंने इसको मैसेज लिख दिया, मैसेज करने के बाद हम इसको क्या करें, इसके बाद हम टॉस लिखें, टॉस लिख दिया, टॉस के बाद हम इसका जो ना लेंथ ले आ, वो आप पर डिपेंड करती है, आप जो भी लगाती है, मैंने इसको ये किया, इसके बाद में डॉट शो कम, ठीक है। ये था हमारा अभी, ये क्या कहते हैं कि सॉरी, इधर मैंने गलती किया था, इधर ये, क्योंकि हम जो है ना मेन एक्टिविटी को क्या करना है, कॉल करना है, तो इसलिए हम देश जो है ना कॉल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो चलो इस ऐप को रन करते हैं, पहले मैं जी मोशन को स्टार्ट करूँ, अभी इसका जो जिन्हें मोशन है, मैं तो खुद ये यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर लोग जो है ना डिवाइस पर रन करते हैं, लेकिन वो डिपेंड आपको, आपके पास ही रही ऑप्शन है, एमुलेटर पर भी आप कर सकते हो, जिन्हें मोशन पर भी कर सकते हो, डिवाइस पर भी कर सकते हो। तो मैं इसको ख़त्म करूँ, अभी ये रन, ये अभी प्रोसेस है अंडर, तो इसको जो है ना थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन एमुलेटर बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ये जिन मोशन अभी रन हो गए, ठीक है। मैं इस पर ये ऐप जो है ना रन करता हूँ, ठीक है, मैंने उसको क्या करना है, रन किया। अभी ग्रेडल जो है ना ये प्रोसेस में है, ये देखो अभी रन हो रहा है, ग्रेडल जो है ना अब रनिंग में है। तो जब हम बटन पर क्लिक करें तो ये डायरेक्टली हमें ये मैसेज शो करेगा, वेलकम टू ऑनलाइन सॉफ्ट टीच। तो इसमें जो है ना, अगर आप पहले इंसान को पता नहीं चलता, वो कहते हैं कि यार ये एंड्रॉयड बहुत यानी बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब आपको, आपने इस पर काम स्टार्ट किया था, तो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा पता चल जाएगा। तो इसकी एडवांस टॉपिक्स भी हम डिस्कस करेंगे, लास्ट में हम इसका एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो प्रोजेक्ट हम एंड्रॉयड और पीएचपी की जो दोनों की जो कम्बिनेशन है, हम उसको वेब सर्विसेस कहते हैं, कि हम सर्वर से डेटा को कैसे एक्सेस करना है, तो उसको भी हम प्रोजेक्ट में जो है ना एक एक को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप। अभी ये देखो इंडेक्सिंग हो रहा है, ये इंडेक्सिंग जब कंप्लीट होगा तो इसका जो है ना क्या करना है, डायरेक्टली अभी रन हो रहा है, ये देखो ये बटन है, ठीक है। इस बटन को जब मैंने क्लिक किया, सॉरी ये इधर मैसेज, अभी देखो मैं इस बटन को जब क्लिक करूँ तो ये देखो वेलकम टू ऑनलाइन सॉफ्ट टीच। तो इसको जो हम क्या करें, अभी एक बैकग्राउंड लगाएंगे, तो मैं चलो देखता हूँ बैकग्राउंड का एक इमेज देखता हूँ कि मेरे पास इमेज है,
या नहीं है, ये मेरे पास इमेज फिर मैं इस इमेज को जो है ना कॉपी करूं। पहले मुझे चाहिए कि मैं इसका जो है ना क्या करना है, नाम को जो है ना छोटा करना है, क्योंकि कैपिटल लेटर को एक्सेप्ट नहीं करना है। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी के बाद डायरेक्टली आ गया इसके दो रिसोर्स फाइल हैं वाइबल, उसमें क्या किया था उसमें मैं इधर पेस्ट करूं या मैं जो है ना इधर से पेस्ट किया, इमेज आ गया पीएनजी के फॉर्म में। तो अभी मैं क्या करूं, इस इमेज को जो है ना क्या करना है, बैकग्राउंड में सेट करना है। तो इसके लिए इतना ज़्यादा कोड नहीं चाहिए, बस एक लाइन कोड है, एंड्रॉयड बैकग्राउंड किधर है, ड्राइबल में है। तो हम इसको जो है ना क्या करना है, इधर ये देखो ड्राइबल में जो इमेज है ये ड्राइबल है, इसकी जो इमेज है वो मुझे कहते हैं कि वो चाहिए आपको, मैंने कहा था हाँ। तो अभी देखो ये इमेज आ गया, तो मैं अभी इसको रन करता हूँ। तो बात ऐसा है कि आपने जब जो है ना इसका बैकग्राउंड का आप उसको अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। तो अभी ये ग्रेडल प्रोसेस में है, इस इमेज को जो है ना क्या करना है, रन करना है इंडेक्सेस को। तो आपकी बैकग्राउंड का इमेज जो है ना वो भी सेट हो गया, ये देखो अभी आपका बैकग्राउंड का इमेज जो है ना वो सेट हो गया। ठीक है, मैं जब क्लिक करूँ, क्लिक के बाद ये देखो वेलकम टू ऑनलाइन सॉफ्ट टीच, यानी इसमें क्या क्या ये मुझे मैसेज शो करता है। तो अगर आप कहते हो कि मैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाऊँ, तो फिर वो इंटेंट है, इंटेंट की भी दो टाइप्स होता है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट है। तो चलो मैं अपनी वीडियो को इधर पोस्ट करता हूँ, अगर आपको कुछ जो है ना प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मैं इंशाल्लाह आपकी जो कमेंट है उसका मैं रिस्पॉन्स दे दूँगा। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।